प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोटों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। आज बैंक बंद है, एटीएम दो दिनों तक बंद रहेगा। अचानक सरकार के इस बड़े फैसले से जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। इस निर्णय को काले धन पर सबसे बड़ा वार माना जा रहा है। 8 नवंबर की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोटों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए, 50 रुपए, 20, 10, 5, 2, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को वैध माना जा रहा है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर इसका भारी प्रभाव देखा गया। वैसे पेट्रोल पंप और अस्पताल में दो दिनों तक 500 और 1000 के नोट चलेंगे। आज देश के सभी बैंकों को और दो दिनों तक एटीएम को बंद रखा गया है। सभी बैंकों में 2000 के नए नोट आ जाएंगे। वैसे देश के प्रधानमंत्री ने काले धन जमाखोरी पर जमकर वार किया है। आम जनता से अपील की गई है कि वे पैनिक ना होते हुए अपने नोट को बैंकों व पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को ये फैसला सुनाए जाने के बाद आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ा है। पाई पाई जोड़कर घरों में जमा रखने वालों को भी रातों रात आफत सी सताने लगी है। वहीं टैक्स चुराने वालों की तो नींद ही उड़ गई है। शहर के पेट्रोल पंपों में आज खूब भीड़ देखी गई। दूसरी ओर बाजारों में लोग आज नदारद दिखे। रिटर्न करने के लिए दिक्कत हो रहा है। सब 500 रुपया, 1000 रुपया का नोट लेके अब 1000 का नोट लेके भटक रहे हैं। मेडिकल दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक का कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया उसकी नज़र में कि हम मैं काला धन निकाल लूंगा, लेकिन मेरी नज़र में है कि शादी का माहौल है। कई लोग शादी के लिए कारीगर से लेकर सामान खरीदना है, लेकिन सब लोग 1500 नोट बंद होने के कारण कोई ले नहीं पा रहे। लोग परेशान है, आम जनता परेशान है। जमशेदपुर टैगोर सोसाइटी की ओर से 32वें पुस्तक मेले के आयोजन की जानकारी पत्रकार वार्ता कर दी गई। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक पुस्तक मेला चलेगा। पुस्तकों के इस महायज्ञ में 70 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी टैगोर सोसाइटी की ओर से पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता कर टैगोर सोसाइटी के महासचिव आशीष चौधरी एवं अध्यक्ष डॉक्टर एच.एस. पॉल ने इस आयोजन की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र में टाटा स्टील के प्रेसिडेंट आनंद सेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची से शिक्षाविद पी.पी. चैटर्जी उपस्थित रहेंगे। इस बार 130 प्रकाशकों द्वारा 70 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक साक्षी टैगोर सोसाइटी प्रांगण में पुस्तक मेले का आयोजन होगा। 11 नवंबर से शुरू हो रहा इसका शुरुआत और 20 तारीख तक चलेगा ये मेला। ये शुरू हुआ था हम लोगों को 1985 में मेला शुरू हुआ था, तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा। तो अभी इसमें 70-71 पब्लिशर्स ये लोग सब आते हैं बाहर से, पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, रांची, सब जगह से आते हैं पब्लिशर लोग। और इसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगला, उर्दू, ये गुरुमुखी सब ये लैंग्वेज का स्टॉल है। किताब बहुत आ रहा है, अच्छे अच्छे किताब, और स्पेशली स्टूडेंट लोगों के लिए टेक्निकल जो बुक्स है ये बहुत आ रहा है, जिसमें स्टूडेंट लोग अपना जो टेक्स्ट बुक है जो वो बहुत कम दाम में मिल सकता है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जगधात्री माता की पूजा विधि विधान से की गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में माता की आराधना श्रद्धालुओं द्वारा की गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में माता जगधात्री की आराधना की जा रही है। कदमा चंडी बाबा मंदिर में भी धूमधाम से जगधात्री माता की पूजा की जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी कदमा स्थित चंडी बाबा आश्रम में विधिवत माता की आराधना की जा रही है। सैकड़ों भक्त इस पूजन में शामिल होकर माता से सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सुनारी में हितेंद्र भट्टाचार्य के द्वारा हसार की भांति इस साल भी जगधात्री माता का पूजन भव्य आयोजन के रूप में किया जा रहा है। इस बार रजत जयंती वर्ष यहां मनाई जा रही है। वहीं 1000 लोगों को भोग प्रसाद देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सुनारी इस लोग का हम लोग का पारिवारिक पूजा है। भट्टाचार्य फैमिली AE 142 सुनारी इस लोग में पूजा होता है हर साल। इस साल हम लोग का
सिल्वर जुबली ईयर है, यानी 25 ईयर्स था। तो अभी पूरा परिवार का सहित आप फोटो भी देखेंगे, माँ का मूर्ति भी देखेंगे। हम लोग हर साल भोग बांटते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। अन्य कुछ चलता होता होता है, हम लोग अपना पूरा भाई से जितना भाई हमारा है सब मिलके हम लोग ये पूजा करते हैं। और अभी हम लोग भोग बांटते हैं, करीब हर साल 1,000-1,500 हम लोग भोग बांटा जाता है। एक्चुअली ये पूजा एक दिन में होता है, लेकिन इस बार हम लोग को 2-3 दौर जाएगा प्रतिमा। आज जैसा नवमी हुआ, कल दशमी है, फिर एकादशी का जो सुबह से शाम तक दोपहर तक पूजा होगा, उसके बाद विसर्जन है। गवरिया थाना अंतर्गत जिलिंगोड़ा में बीर डीवा किशन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट सह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 11 नवंबर से किया जाएगा। बीर डीवा किशन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट सह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में महिलाओं को भी फुटबॉल मैच खेलने का मौका मिलेगा। 11 नवंबर को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जिलिंगोड़ा में विधायक चंपाई सोरेन करेंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि दिशम गुरु शिबू सोरेन होंगे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। कोल्हान के सभी 6 MM विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। आपका हर साल के भांति इस बार भी आपका 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, साथ में आपका हाफ मैराथन भी है और समापन समारोह में 13 तारीख को संस्कृति कार्यक्रम जो झारखंड का जितना भी नाच गाना है उसको ये संकल्प लेके आपका आयोजन किया गया है। जो आयोजक है वीडियो मेमोरियल सोसाइटी जिलिंगोड़ा तत्वाधान में आपका 11-12-13 तारीख को जो 11-12 आपका फुटबॉल प्रतियोगिता होगी और 13 तारीख को आपका महिला फुटबॉल का भी रखा गया है, ताकि इस झारखंड में महिला का फुटबॉल भी बढ़े और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इस ये मकसद से हम लोग पूरा ग्रामवासी वीडियो किशन मेमोरियल सोसाइटी के जितने भी परिवार है ये सोच पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि फुटबॉल भी बचे रहे और संस्कृति भी बहुत मैंने समाज का लुप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग संकल्प लिया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर आप सब्सक्राइब करें।